अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमैल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत मजेदार सी रेसिपी बन रही है जी जनाब। तो यहाँ क्या बन रहा है? और यहाँ पर बन रहा है जी चिकन टिक्का मसाले से लाजवाब फूड के चिकन टिक्का मसाले से मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी बना रहे हैं। और बोटी हम बना रहे हैं बिल्कुल हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे, कोई इसमें हमें कोल की और कोई ओवन की कोई किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो है वो ये बोटी बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं जी? हम ये सिर्फ फ्राइंग पैन में बना रहे हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पर ऑमलेट बनाऊँगी, वेजिटेबल ऑमलेट। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बनाने सिखाने वाली हूँ और बहुत झटपट से बनेंगी दोनों रेसिपीज़ हमारी, क्योंकि दोनों ही रेसिपी ऐसी है स्टार्टर की रेसिपीज़ हैं। जैसे कि शाम का वक्त होता है, टी टाइम का वक्त होता है, तो उस वक्त ये रेसिपी बड़े अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रही होती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और लाजवाब फूड्स के मज़ीद स्पाइसेस का मैं बता दूं कि लाजवाब फूड्स का कोरमा मसाला, चार गोश मसाला, कढ़ाई गोश मसाला, साथ साथ टिक्का बोटी मसाला, इनका सिंधी बिरयानी, इनका बम्बई बिरयानी, इनका सालन मसाला, इनका चाट मसाला, ये तमाम मसाले मौजूद हैं। ये DHA की तमाम मार्ट पर अवेलेबल हैं, साथ साथ क्रीक मार्ट जो DHA में वाकई अगर मैं उसका बताऊँ आपको तो वहाँ से बाय करने पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा आपको दराज ऐप है यानी कि वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है लाजवाब फूड के नाम से, फेसबुक पेज है, वहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट ऑन हो जाएगी, वहाँ जाकर ऑर्डर करके इनकी सारी रेंजेस मंगा सकते हैं। इनके प्योर नेचुरल इंग्रीडियंट से बने स्पाइसेज हैं, किसी किस्म के इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं है, कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया हुआ, सिर्फ नेचुरल इंग्रीडियंट से बनाए गए ये मज़ेदार से स्पाइसेज हैं। लाजवाब फूड इसका जायका ही है लाजवाब, और वाकई इसका जायका ही लाजवाब आपके खाने को और आपकी दावतों को और आपके दिनों को करता है लाजवाब। चलिए जी आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं यूज करूंगी लाजवाब का चिकन टिक्का बोटी मसाला, इसको यूज करूंगी। साथ साथ मैंने यहाँ ली है बोनलेस चिकन लिया, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था। साथ साथ मैंने ली है दही 2 चम्मच, और यहाँ पर सिर्फ हमारी टिक्का बोटी मसाले में दही शामिल होगी और हमारा जो है वो ये शामिल होगा लाजवाब फूड का। और इसके अलावा हम बना रहे हैं यहाँ पर ऑमलेट बना रहे हैं, वेजिटेबल ऑमलेट। इसमें मैं कुछ धनिया, कुछ मैं पुदीना, साथ साथ शिमला मिर्च, गाजर, कुछ इस तरह से हम इसमें शेयर करेंगे, चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। और साथ साथ बिस्मिल्लाह करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर जो है दही मेरे पास है, दही ली है मैंने 2 चम्मच दही ली है। साथ साथ मैंने लिया है ये लाजवाब टिक्का बोटी मसाला। अच्छा, आपको इसके बारे में बता दूं, इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से पैक करें और रबर बैंड लगा कर इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख दें, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये नहीं कि आप मसाला डिस्कार्ड कर दें, अगर आप इसको इस तरह से पैक करके फ्रीज़र में रख देंगे तो ये मसाला उतरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज अपनी रेसिपी में सिर्फ 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चिकन ली है मैंने यहाँ पर 300 ग्राम, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लाजवाब टिक्का बोटी मसाला, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं, आप चिकन में भी बना सकते हैं, तमाम चीज़ों में आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। दही है, लाजवाब टिक्का मसाला है, ये लेती जनाब। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अराउंड ऑयल ऐड करूँगी, और मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप इसे जो है वो आराम से आप उसमें बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं जी? पैन में बना सकते हैं, इसको तवे पे बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं। बस आपने इस तरह से मिक्स करके इसको रख दिया है, सिंपल। और यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब, जिसमें हमें रिक्वायर्ड है क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है वेजिटेबल्स, क्योंकि हम बना रहे हैं ऑमलेट। यहाँ मैंने इस तरह से कुछ कट करके रख लिया था शिमला मिर्च को,
और ये देखें हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ऑमलेट में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बारीक ही वेजिटेबल्स शामिल होती हैं, ठीक है। ये हमने इसमें कट कर लिए। ये देखें यहाँ लिया है मैंने तकरीबन ये एक टुकड़ा लिया था मैंने शिमला मिर्च का, और इसी तरह मैं गाजर ले लिया है मैंने गाजर का टुकड़ा, उसको हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे। वेजिटेबल ऑमलेट के लिए हमने गाजर का टुकड़ा लिया है एक अदद, उसको हमने पील किया है। बहुत बारीक बारीक आपने गाजर को भी कट कर लेना है, ठीक है। वेजिटेबल्स आपकी बारीक होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी है, बच्चों को स्पेशली बना के दें, बच्चे भी बहुत ज्यादा इसे पसंद करेंगे। बस देखें आपने इतना सा हमने टुकड़ा लेना है गाजर का, साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। बहुत थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। मिंट मैं इसमें ऐड नहीं करी। अंडे हैं मेरे पास दो अदद, इनको अच्छे से हम जो है यहाँ पर ये अंडों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है। दो अदद अंडे लिए हैं मैंने, साथ साथ ये गाजर चॉप की हुई थी तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये ऐड की है। कैप्सिकम है इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये ऐड की है। धनिया है बारीक चॉप किया हुआ, ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। और थोड़ा सा हम अपनी टेबल को नीट कर लेते हैं, यहाँ से ये भी हम हटा देते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, तकरीबन मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट, ठीक है। ये हमने लिया, सॉरी 1 टीस्पून नहीं, एग है मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, पिंच ऑफ लिया है मैंने सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रहे मजेदार से ऑमलेट बन रहे हैं। अच्छा जी, ऑमलेट आप जो है वो बना रहे हैं उसके लिए हमने तमाम वेजिटेबल्स, मैं एक दफा रिकैप कर देती हूँ। मैंने लिए थे 2 अदद अंडे, साथ साथ लिया था मैंने धनिया, उसके अंदर मैंने ऐड किया था गाजर और शिमला मिर्च, बारीक बारीक इनको काट लिया था, नमक, और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। अगर आपको पसंद है ग्रीन चिली तो आप ग्रीन चिली ऐड करें, साथ साथ अगर आपको पसंद है रेड चिली आप रेड चिली ऐड करें। मुझे किसी चीज़ की कोई इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अगर ऐड करूँगी तो वो मैं ऐड करूँगी लाजवाब का चाट मसाला, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और लाजवाब का जो है वो यहाँ पर चाट मसाला मैंने लिया है, वो मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ग्रीन चिली रिक्वायर्ड है, आप ग्रीन चिली इस तरह से, इसमें 2 पैकेट्स हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, तो मैं 1 पैकेट ले रही हूँ इसमें से, और उसमें मैं ये ऐड करूँगी, क्या कहते हैं, ईजी टू ओपन है, किसी किस्म की नाइफ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े से ईजीली ओपन हो गया है। तकरीबन कोई भी मसाला डालते हुए थोड़ा सा स्पून लेना, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए,
क्योंकि अंडा जो है वो थोड़ा, तो मैंने तकरीबन 1/4 teaspoon ये लाजवाब का चाट मसाला इसके अंदर ऐड करा है अपने वेजिटेबल ऑमलेट में। यहाँ मैं इसको वापस रख दूंगी और चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, पैन लिया है, स्टोव को ऑन किया है, तकरीबन मैंने 2 tablespoon इसके अंदर ऐड किया है ऑयल। अच्छे से इसको हम फैला लेंगे बहुत अच्छे से। इसको हमने मज़ीद मिक्स करना है। बहुत अच्छे से आप अपने अंडे को मिक्स कर लें। ऑयल गरम हो गया है, अंडा अब हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल ऑमलेट हमने यहाँ पर बिल्कुल शामिल किया है। साथ साथ एक अदद ले लेंगे हम यहाँ ले लिया मैंने प्लेट। टिश्यू से प्लेट को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वन मोर लेंगे टिश्यू। ये देखेंगे हमारी प्लेट भी नीट हो गई है। साथ साथ हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं अच्छे से ये कुक्ड हो जाए। और हमने इसको ये टर्न कर लिया। बिल्कुल अच्छा सा ये हमारा वेजिटेबल ऑमलेट बना है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको निकालेंगे 3। अच्छा, ऑमलेट बहुत सारे लोग अंडे को बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, वो उससे क्या होता है उसका मॉइस्चर सारा रिलीज हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। तो अंडों को आपने कभी भी इस तरह से बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर मैं आपको बताऊँ कि अंडे को आपने किस तरह से कुक करना है, तो अंडे को आपने 1 minute वन साइड एंड देन 1 minute अदर साइड। और ऑलमोस्ट ये हमारा अंडा बिल्कुल तैयार है आपके सामने। झटपट से हमने बनाया अंडा और बहुत मज़ेदार सा हमारा ये बना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल डन डनाडन हो गया। और साथ साथ हम आ जाएंगे, हमने क्या करना है, हमने करना है काम। और काम हम किस तरह करेंगे, हम लेंगे स्कीवर्स। यहाँ ली है मैंने स्कीवर ली है। वेजिटेबल ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। और देखा आपने, बहुत फाइनली मैंने वेजिटेबल्स को कट किया था और बहुत अच्छी आसान सी बिल्कुल रेसिपी हमने जनरेट की थी। अब हम बारी है हमारे जो ये चिकन टिक्का बोटी जो हम बना रहे हैं, इसकी बारी है। इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से हमने इसमें मसाला, क्योंकि हमें इसको टाइम देना होता है तकरीबन 2 से 3 घंटे, 4 से 5 घंटे, ओवरनाइट आप करके रख दें इसको फ्रिज में, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाता है, मज़ेदार लाजवाब हो जाता है। ठीक है जी, हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये। ठीक है जी, इस तरह से हम इसे ऐड करके लगा के इसके अंदर, ये देखें आप, ये हमने रेडी करे अपने स्कीवर्स। आप इसमें 1/2 kg की क्वांटिटी ले सकते हैं, आप इसके अंदर 1 kg की क्वांटिटी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको भी बता दूं आपको कि लाजवाब मसाला 1 kg की क्वांटिटी में 1 packet जाएगा। साथ साथ इसमें जाएगी तकरीबन 1/2 cup दही जाएगी।
चलें जी, ये इस तरह करके हमने ऐड किया है इसके अंदर चिकन को स्कीवर्स में। छोटे हैं तो आप चार भी पीस डाल सकते हैं, बड़े हैं तो आप तीन आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने ये देखेंगे इस तरह से हमने लगा लिया है, और ये छोटू सा एक बचा है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा गैप दे, वैसे तो तीन से ज़्यादा ना करें। चलिए जी, अच्छा ब्रश, ये मसाला मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसका हमने क्या सारा प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दी लूँगी, लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का, तो लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का बोटी बना रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर जो है वो मैंने ऑयल इसके अंदर डाला है, ग्रिल पैन में ऑयल डाल के हम इस तरह से स्प्रेड करा है, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये स्कीवर्स में आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से चिकन टिक्का जो मसाले से मैंने ये जो बोटी हुई मसाला लगाया था इसको मैं इस तरह से यहाँ पर इसको ना हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसकी हम ये डायरेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन से हम और इसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा ये हमने इस तरह किया है, और इसको हमने इस तरह से भूना है, थ्री मिनट्स आपने वन साइडेड करना है, थ्री मिनट्स आपने अदर साइड करना है, इस तरह से टोटल सिक्स मिनट्स हमने इसको, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है टेंडर होने में, और बहुत ज़्यादा चिकन को आपने जो है ना पकाना भी नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन को पकाते हैं तो उसके सारे जूसेस रिलीज़ हो जाते हैं, उसका वाटर रिलीज़ हो जाता है, उसमें उसका फ्लेवर भी रिलीज़ हो जाता है, तो हमने उसको जो है ना वो इस तरह से नहीं करना है, इसका बिल्कुल हमने ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर देखें इस तरह से कर रही हूँ, जो मसाला ये हमारा बचा हुआ था ना ये वाला, ये हम इस पर इस तरह से लगाएंगे, ये देखें ये हम यहाँ पर इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें ये हो गया, और इसी तरह से आपने इसका एक साइड जब ग्रिल हो जाएगा आप इसको अदर साइड करेंगे, और जो है वो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं टर्न करूँगी, और टर्न करने के लिए मैं टोंग का ही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रखा था ये वाला, तो ये भी अभी नहीं हुआ है, तो हम इसको अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम देंगे, यहाँ पर इसको टाइम दे रहे हैं, जब तक के लिए मैं सोच रही हूँ इसको कवर कर दूँ, और उससे ये होगा कि हमारा जो स्टूडियो है वो थोड़ा धुआँ धुआँ जो होता है वो नहीं होगा कवर करने से, और ये जल्दी टेंडर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको टेंडर कर रही हूँ, और जब तक ये टेंडर हो रहे हैं तो जब तक हम यहाँ ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है ये हमारी, और इसे हम निकाल रहे हैं, और देखें कि ये कितनी जूसी सी बनी है।
बस ये दो बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर। अच्छा साथ साथ हम ब्रेड से यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जी ब्रेड को जो है कट कर रहे हैं हम, उसके साइड्स कट कर लें आप, क्योंकि यहाँ पर जब हमने वेजिटेबल ऑमलेट बनाया तो हमें ब्रेड का ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करना है। और ये इस तरह से आपने इसकी साइड कट कर ली, अच्छा चाहे तो आप इसको इस तरह सर्व कर लें, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेक रही हूँ, जाकिर कट करना अच्छा जी यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑन किया है, चूल्हे को ऑन करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, और बहुत कम मैंने ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं हमारे पास उसको हम थोड़ा सा सेक रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये वाले जो हमारे बचते हैं ना, साइड्स जो बचती हैं, जैसे बच्चे बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, या सैंडविचेस में हम लोगों को ये नहीं चाहिए होते, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इन साइड्स के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपने इस तरह से इसको खोल के हवा में थोड़ा सा सुखा लेना है, जब हवा में थोड़े से ये सूख जाए उसके बाद आप चाहें तो इसको मजीद हवा में देने के 5 से 6 घंटे इसको हवा में और सुखाएं पंखे की, नहीं तो आप अवन में इसको रखें, तो तकरीबन आपने इसमें 5 मिनट के लिए अवन में रखेंगे, ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको ग्राइंड करें तो ये बहुत ज़बरदस्त से बिल्कुल मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ये देखें मैं यहाँ पर ये इस तरह से मैंने सेका है, हल्का सा मुझे शेड रिक्वायर्ड था और ये शेड बिल्कुल आ गया। ये देसी, हम चाहते तो इसको ग्रिल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि जब देसी चीज़ें बन रही हैं, वेजिटेबल ऑमलेट बन रहा है, देसी चिकन टिक्का बोटी बन रही है, तो साथ साथ जो है वो हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको भी थोड़ा सा सेक लें। तो यहाँ पर देखें मैंने ये इस तरह से सेके, चाहे तो आप इसे यहाँ रख लें, चाहे तो एग के साथ रख लें, मेरे ख्याल से ये एग के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम इसको भी अभी सेट करते हैं, और यहाँ से मैं ये बोर्ड और ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ, इसको एग को हम थोड़ा सा यहाँ रख गया है। और अच्छा बहुत सारे लोग इसको इस तरह से ना फोल्ड करते हैं एग, तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डायमंड शेप में हम रख रहे हैं। चलिए जी ये हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। प्लेट को हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, क्योंकि नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दोनों अपनी रेसिपी को नीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो दोनों रेसिपीज बनाई है, एक हमने बनाई है नाश्ते की और एक हमने बनाई है, वो आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी दे सकते हैं, रात के डिनर में भी खा सकते हैं इसको, तो हर टाइम पर जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत हेल्दी है, और साथ साथ ये वाली रेसिपी बहुत हेल्दी है। तो ज़रूर आपने मेरी दोनों रेसिपीज़ ट्राई करनी है, साथ साथ अपना फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। सॉरी क्योंकि मौसम ऐसा है, अच्छा मैं खुद, मुझे बहुत सारी टिप्स पता होती हैं, मैं खुद अप्लाई भी करती हूँ, लेकिन ये जो इस मौसम में जो ये नज़ला और ठंडा गर्म का जो मौसम होता है ना, इसमें किस तरह से बचा जा सकता है, क्या आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं जिस तरह से आप बच सकें, तो उसका क्या सारा रीज़न है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो वो मैं बताती हूँ कि दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक, सिनेमन स्टिक का अगर आप जो है वो कावा बना कर पियेंगे, तो वो इस आपकी जो ये सारा कुछ, क्योंकि नज़ला हो रहा होता है और गले में थोड़ा सा होता है, तो उसको बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल करेगा। इस तरह से करके आपने लेके अपनी इसको चलना है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि किस तरह से गले का जो सारा सिस्टम होता है बिल्कुल मौसम ऐसा, सिनेमन स्टिक का कावा वो किस तरह बनता है, आपने लेना है थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी लें, उसके अंदर आप एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको हल्का सा जोश दे लें, उसके बाद आप उसमें किसी भी किस्म ग्रीन टी हो आपके पास अवेलेबल है क्योंकि खुलती है, तो वो आप डाल के लास्ट में दम देते हैं बंद करने के बाद। बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, उससे उसकी जो है वो फ़ायदे सारे के सारे वो पक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चीज़ों को ज़्यादा ना पकाएं, कोशिश करा करें चीज़ों को कम से कम पकाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो सब्जियां भी आपने कम उसको पकानी है। जैसे मैंने अंडा आपके सामने बनाया, तो मैंने उसको कितना ड्यूरेशन दिया, किस तरह से 1 साइड सेका, किस तरह से अदर साइड सेका, ब्रेड का बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन, चिकन का आप देख लेंगे मेरी चिकन जूसी है, वरना आप देखो का ड्राई हो जाती है, आप लोगों को लगता है ये सही कलर आया, वो सही कलर नहीं आता, वो उसके सारा मॉइस्चर, उसका जूस, उसका फ्लेवर सारा का सारा पिघल जाता है।
तो ये सारा कुछ होता है, तो कोशिश करा करें कि चीज़ों को इस तरह से लें और ताकि जो है वो सारी चीज़ें आपकी मज़ेदार सी बने। और इसके साथ साथ जो है वो रेसिपी का मैं रिकैप कर दूँ, मैंने ऑमलेट किस तरह बनाया था। ऑमलेट मैंने इस तरह बनाया था जी, जितना मैंने दो अंडे लिए थे, मैंने साथ साथ शिमला मिर्च ली थी, मैंने गाजर ली थी, मैंने हरा धनिया लिया था, उनको अच्छे से बारीक बारीक काटा, बारीक बारीक काट के अंडे के अंदर मिक्स किया, उसमें नमक और पिसी काले मिर्च डाली, डालकर मैंने दो अदद अंडे थे अच्छे से उसको मैंने यहाँ पर कुक कर लिया, पका लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने जो है वो उसको वन साइड 1 मिनट, अदर साइड 1 मिनट, यानी 2 मिनट में हमने अंडा तैयार करना होता है। अंडा पकाने का ड्यूरेशन होता है 2 मिनट्स, ठीक है। बॉयलिंग का ड्यूरेशन होता है 8 से 10 मिनट, अंडा बॉयल करने का ड्यूरेशन होता है 8 से 10 मिनट, स्टैंडर्ड कहलाती हैं कुछ चीज़ें। इसी तरह मैंने तिक्का बोटी मसाला लिया लाजवाब फूड्स का, जो कि DHA के तमाम मार्ट्स पे अवेलेबल है, क्रीक मार्ट पे इन पे बाय करने पे मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट। साथ साथ यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने लाजवाब फूड्स का अगर आपने गिफ्ट बैग विन करना है तो उसका क्या तरीके का, आप कोई भी रेसिपी बनाएं लाजवाब फूड का डब्बा बिल्कुल उसके बराबर में रखें, मुझे पिक्चर टैग करें, मेरा पेज है शेफ शाहीना शुमाइल के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हूँ मैं शेफ शाहीना के नाम से, फेसबुक पे हूँ शेफ शाहीना शुमाइल, इंस्टाग्राम पे हूँ शेफ शाहीना के नाम से, मुझे टैग करें वो, ताकि मैं आपको गिफ्ट आप तक पहुँचाऊँ। और इसके अलावा जो लोग मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अपनी कोई रेसिपी उनके लिए करीब शेयर करना चाहते हैं, या वो डॉक्टरिस्ट है, या वो हर्बलिस्ट है, या वो शेफ हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से अगर आप लोग आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। और आपको दोनों चीज़ों रेसिपी का रिकैप दे दिया, और बहुत अच्छा लगता है मैं जब आती हूँ आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा टाइम पास होता है। और बेसिकली हम कुछ सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझे सिखाते हैं, तो इसी तरह से जो है वो हमारा सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहे। अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपको बनानी यहाँ पर सिखाती रहूँ, लेकिन मुझे चाहिए आपका फीडबैक, मुझे चाहिए अप्रिसिएशन, वो आप किस तरह से देख सकते हैं, कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखेंगे, मेरी सारी रेसिपीज आ जाती हैं, डेली लिंक्स अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाकर कॉमेंट किया करें कि ये रेसिपी हमने ट्राई करी थी, ये रेसिपी अच्छी है, मैं वो कॉमेंट खुद रीड करती हूँ, तो प्लीज़ कॉमेंट किया करें, आपका कॉमेंट मेरी अप्रिसिएशन है। मेरा अपना पेज है, उस पे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे। और इसके साथ साथ जो है वो मेरे जाने का वक्त हो गया है, सो मुझे और मेरी वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।